जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में आप श्री सम्यक शिखर जी पारसनाथ तीर्थस्थल की यात्रा के बारे में जानेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि शिखर जी कैसे जाएं और कब जाएं। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, धन्यवाद। आइए चलते हैं सम्यक शिखर जी। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है श्री सम्यक शिखर जी या पारसनाथ पर्वत। यह झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि सम्यक शिखर जी कैसे जाएं। वायु मार्ग, निकटतम एयरपोर्ट रांची में है जो गिरिडीह से 182 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा गया एयरपोर्ट 202 किलोमीटर, पटना एयरपोर्ट 284 किलोमीटर और कोलकाता एयरपोर्ट 316 किलोमीटर दूर है। आप वहां से बाय ट्रेन, बाय बस या बाय कार किसी भी साधन से आराम से गिरिडीह पहुंच सकते हैं, जहां से सम्यक शिखर जी पारसनाथ केवल 37 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग, निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कार्ट लाइन पर आसनसोल गया सेक्शन पर पारसनाथ रेलवे स्टेशन है, जहां से सम्यक शिखर जी केवल 15 किलोमीटर दूर है। अगर हम गिरिडीह रेलवे स्टेशन की बात करें तो गिरिडीह स्टेशन एक व्यापक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन द्वारा 48 किलोमीटर दूर स्थित मधुपुर जंक्शन से जुड़ा हुआ है। एक यात्री ट्रेन है जो दो स्टेशनों के बीच एक दिन में 5 बार चलती है और गिरिडीह पहुंचने में लगभग 1 घंटा लेती है। गिरिडीह स्टेशन से आप ऑटो रिक्शा, कैब, टैक्सी से मधुबन होते हुए सम्यक शिखर जी पारसनाथ पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग, नेशनल हाईवे NH-19 ग्रैंड ट्रंक रोड गिरिडीह जिले से गुजरता है, लेकिन शहर से दूर है। गिरिडीह शहर के केंद्र में एक बस टर्मिनस है। गिरिडीह के लिए धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, हावड़ा, पटना, रांची और जमशेदपुर से बस सेवा उपलब्ध है। कार और टैक्सी सुविधाएं भी शहर में उपलब्ध है। अन्य परिवहन साधनों में ऑटो रिक्शा और मिनी बसें आदि है। आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से किसी भी शहर से बाई रोड गिरिडीह और फिर वहां से मधुबन आसानी से पहुंच सकते हैं। सम्यक शिखर पारसनाथ पर्वत की चढ़ाई मधुबन शहर से शुरू होती है। इस पुण्य पावन क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है और जैन धर्म में इसे तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ हर साल लाखों जैन धर्मावलंबी आते हैं, साथ ही अन्य पर्यटक भी पारसनाथ पर्वत की वंदना करने यहाँ पहुँचते हैं। पहाड़ की तलहटी में स्थित मधुबन गिरिडीह स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर दूर है। मधुबन से सम्यक शिखर जी की चढ़ाई, उतराई तथा यात्रा करीब 18 मील की है। जैन ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर तीर्थंकरों और तपस्वी संतों ने कठोर तपस्या और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। यही कारण है कि जब सम्यक शिखर तीर्थ यात्रा शुरू होती है तो हर तीर्थयात्री का मन तीर्थंकरों का स्मरण कर अपार श्रद्धा, आस्था, उत्साह और खुशी से भरा होता है। जैन धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति सम्यक शिखर आकर पूरे मन भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है और इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है। यह तभी संभव होता है जब यहाँ पर सभी भक्त तीर्थंकरों को स्मरण कर उनके द्वारा दिए गए उपदेशों, शिक्षाओं और सिद्धांतों का शुद्ध आचरण के साथ पालन करें। इस प्रकार यह क्षेत्र बहुत पवित्र माना जाता है। जैन नीति शास्त्रों में वर्णन है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर भगवान
वासुपूज्य ने चंपापुरी, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत तथा 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। शेष 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर में मोक्ष प्राप्त किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी इसी तीर्थ क्षेत्र में कठोर तप और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। अतः भगवान पार्श्वनाथ की टोंक इस शिखर पर स्थित है। जैन श्रद्धालु पर्वत की वंदना के लिए मधुबन से चढ़ाई शुरू करते हैं। पवित्र पर्वत के शिखर तक श्रद्धालु पैदल या डोली से जाते हैं। जंगलों व पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए वे 9 किलोमीटर की यात्रा तय कर शिखर पर पहुंचते हैं। सम्मेद शिखर जी कब जाएं? यो तो जैन धर्मावलंबी सम्मेद शिखर जी की साल भर यात्रा करते हैं, परंतु फिर भी यात्रा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच में होता है, क्योंकि शीत ऋतु के दौरान पहाड़ों पर चढ़ने में मदद मिलती है। यही कारण है कि शीत ऋतु में यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। आप यदि बारिश के मौसम में जाएं तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी आनंददायक होता है। सम्मेद शिखर जी में रात्रि विश्राम के लिए जगह जगह जैन धर्मशालाएं बनी हुई है। मधुबन में अनेक होटल और गेस्ट हाउस इत्यादि है, जहां आप अपने बजट के अनुसार रूम लेकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। यात्रा मार्ग में भी और शहर में भी आपको शुद्ध जैन भोजनालय मिल जाएंगे, जहां आप सात्विक और स्वादिष्ट नाश्ता एवं भोजन कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।